हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जिसमें हमारा है, उसमें हमारी यूनिट 4 स्टार्ट हो चुकी है। उसमें हमने ऑलमोस्ट 2 लेक्चर यूनिट के मतलब अपलोड कर दिए हैं इस वीडियो पर। यदि आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी तो प्लीज़ आप सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एंड देयर प्रिवेंशन ऑफ एसेप्टिक एरियाज के बारे में। ये हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, यानी कि जो भी माइक्रोबियल का कंटामिनेशन होता है उसके सोर्स क्या होते हैं और उनसे कैसे हम बच सकते हैं, और इन एन एसेप्टिक एरिया में, ठीक है, वहां पर इसका क्या रोल होता है, कैसे क्या होता है, उस चीज के बारे में हम इसमें इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए बता दें, हमारा नाम है सिलेंद्र सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा सोर्स कंटामिनेशन, इसमें यानी कि क्या होता है, देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, यानी कि जो एसेप्टिक एरिया के मतलब माइक्रोबियल के चांस होते हैं या किसी भी मतलब की धूल मिट्टी या गंदगी वगैरह के चांस होते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें हो सकता है या मतलब ग्रो कर सकता है, तो किन किन उसके मतलब क्या सोर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें सोर्स है एटमॉस्फेयर, सेकंड है ऑपरेटर, एंड थर्ड रॉ मटेरियल इक्विपमेंट, ठीक है, ये हमारे 4 सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या होता है, एयर इज द मेजर सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, यानी कि जो हमारी हवा वगैरह है बाहर की, तो हम कहीं भी एसेप्टिक एरिया रूम में मतलब अपना वर्क कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं एसेप्टिक एरिया में, तो वहां पर जो है हवा का जो मतलब थोड़ा भी अगर आ जाएगा ना, थोड़ी सी भी हवा, यानी कि बाहर की हवा आ गई, तो उसमें जो है चांस होते हैं किसके, माइक्रोबियल कंटामिनेशन के। डस्ट पार्टिकल कंटेंट, यानी कि भाई कंटेंट डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब स्पोर्स एक्सेट्रा, इट मे बी रिड्यूस, इसके लिए हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय केमिकल डिसइंफेक्टेंट से, एंड जो है यूवी लाइट से, फिल्ट्रेशन से, एंड गैसियस एजेंट से, एंड आल्सो बाय एयर ब्लॉक डोर से हम इसके लिए मतलब कि रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या बिल्कुल भी यानी कि खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटर, यानी कि जो भी हमारे ऑपरेटर होते हैं, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह में या एसेप्टिक एरिया रूम में जो भी हमारे ऑपरेटर, यानी कि जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, एग्जाम्पल के लिए वो कोई भी हो सकता है, ऐसे कि इंसान जो भी हमारे काम करते हैं ना एसेप्टिक एरिया में, इंडस्ट्री वगैरह में, तो उन्हीं के लिए हम ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो उसकी जो ऑपरेटर है उसके बाल वगैरह छोटे होना चाहिए, और उसके क्लॉथ वगैरह वो साफ होने चाहिए, एंड ऑपरेटर जो पोटेंट सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ठीक है, क्योंकि उसके स्किन की स्किन वगैरह है, हेयर वगैरह है, वो बिल्कुल स्किन हेयर, वो उसके जो है चांस हो सकता है इसका माइक्रोबियल कंटामिनेशन का। नेक्स्ट जो है, और ऑपरेट टू एनी मैनुअल कंटामिनेशन मे बी ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग और फोकस, यानी कि जो हमारा ऑपरेटर है वो वर्क कर रहा है, वो मैनुअल कंटामिनेशन होता है लैग ऑफ ट्रेनिंग और फोकस का, इट में बी रिड्यूस, इसके लिए हम रिड्यूस कर सकते हैं, दैट ऑपरेटर के लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए उसकी अलग से, यानी कि उसकी कुछ ड्रेस वगैरह होनी चाहिए, इससे जो उसका थोड़ा माइक्रोबियल कंटामिनेशन का चांस स्लो यानी कि लो हो सकता है। फिर एसेप्टिक एरिया विद फुली कवर, और जो एसेप्टिक एरिया बिल्कुल ही इसमें जो है फुली कवर होना चाहिए बॉडी उसकी ऑपरेटर की, एंड ऑपरेटर में भी स्किल, और वो ऑपरेटर है वो स्किल होने की, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल से हमारा किस तरह से चांस हो सकता है, तो रॉ मटेरियल से हमारे सबसे पहले हम इसमें बात करें, इट अकाउंट फॉर ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, यानी कि ये जो है अकाउंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन का हाई प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इसमें जो है इनटू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो भी हमारे होते हैं उनमें जैसे भी हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट में हो सकता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ठीक है। वाटर इज द मेजर सोर्स, यानी कि वाटर जो हमारा वो मेजर सोर्स है इसका, इट मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, कुछ हम इम्प्रॉपर सैंपल लेने से भी हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकती है, इनएडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन वगैरह एक्सेट्रा वगैरह से माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है, एंड इट मे बी रिड्यूस बाय हीट ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन एंड अदर स्टेलाइजेशन प्रोसेस इन रॉ मटेरियल। वाटर में भी ट्रीटेड बाय यूवी लाइट, वाटर जो भी हमारा होता है उसके लिए हम ट्रीट कर सकते हैं बाय यूवी लाइट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा इसमें है इक्विपमेंट, और कुछ जैसे हमारे इक्विपमेंट जो भी हम यूज कर रहे हैं अपने एसेप्टिक एरिया में या इंडस्ट्री वगैरह में, तो इक्विपमेंट जो हमारे होते हैं उनसे भी हमारी माइक्रोबियल कंटामिनेशन की जो है चांस हो सकते हैं। तो
द इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल यूज इन प्रोसेसिंग होल्डिंग ट्रांसफरिंग एंड पैकेजिंग आर ऑल्सो कॉमन सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ एसेप्टिक एरिया में, ठीक है। इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर, यानी कि कोई भी हम इम्प्रॉपर डिजाइन करें या मटेरियल लीड्स जो भी हमारा होता है कोरोजन इम्प्रॉपर क्लीनिंग करें, यानी कि उसके लिए साफ सफाई हम ढंग से ना करें, लैक ऑफ स्टिलाइजेशन, और जैसे कि उसमें स्टिलाइजेशन भी मतलब कोई भी हम इक्विपमेंट उसमें यूज करें तो वो विदाउट स्टिलाइजेशन से हम इसमें यूज करेंगे तो उसमें माइक्रोबियल के चांस माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांस जरूर बढ़ जाते हैं। फिर इट में भी रिड्यूस, इसके लिए हम रिड्यूस कर सकते हैं स्टिलाइज करने से एंड डिसइंफेक्टेड बाय हीट गैसेस एजेंट्स से और केमिकल्स और कुछ केमिकल्स का हम यूज करने से हम इसके लिए स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। सम आर आल्सो स्टिलाइज बाय स्टीम अंडर प्रेशर आर्टिकुलेट, और जो भी हमारे उसके इक्विपमेंट वगैरह होते हैं तो उनके लिए हम स्टिलाइज कर सकते हैं बाय स्टीम अंडर प्रेशर आटोकुलेव, जो भी हमारी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम इसके लिए स्टिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को यही बताना था इस वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।